हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब 2020। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बैकयार्ड यानी किचन गार्डन की तैयारी लगभग खत्म हो चुकी है। अब समय आ गया है नए नए सैपलिंग्स और सीड्स लगाने का। बैकयार्ड में आलू का बीजा ऑलरेडी लगा चुके हैं, जिसका वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। विंटर्स में सब्जियों की लिस्ट ऐसे तो बहुत लंबी है, लेकिन मेरे लिस्ट में सबसे पहले नंबर में था फूलगोभी। लेकिन अब तक फूलगोभी के पौधे लोकल मार्केट में नहीं मिल पा रहा था, पर अब फूलगोभी के पौधे लोकल मार्केट में आने लगे हैं। ये देखिए, ऐसे बंच में लोकल मार्केट में गोभी के पौधे मिलते हैं। आजकल एग्री स्टोर्स में भी गोभी के सैपलिंग्स मिलते हैं, लेकिन वे लोग पर सैपलिंग करीब 5 से 7 रुपया लेते हैं। साप्ताहिक बाजार में ऐसे एक गुच्छा करीब 10 रुपए में मिलता है, जिसमें 8 से 10 पौधा होता है। गोभी का सैपलिंग लगाने के लिए पहले तो रो बना लीजिए। फिर हाथ से या फिर खुरपी से थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके उसमें सैपलिंग को लगा दें। और जड़ के सामने के मिट्टी को दबा दें। एक से दूसरा पौधा का बीच का दूरी एटलीस्ट 8 से 10 इंच का होना चाहिए। मिट्टी को पहले कैसे तैयार किया जाता है, ये आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। हमने लगाते समय भी थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलर जहां पर पौधे को लगा रहे हैं। ऐसे लोकल मार्केट में जो पौधा मिलता है, इसमें करीब 90-95% पौधा बच जाते हैं। ये देखिए, करीब 24 पौधा लगाया गया है। ऐसे छोटे पौधे को कोशिश करें शाम को ही लगाने का, इससे पौधा को एटलीस्ट 12 घंटे के ऊपर का समय मिल जाता है अपने रूट्स को सेटल करने के लिए। ट्रांसप्लांट के दौरान प्लांट का रूटिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रेस में होता है, इसलिए उसे समय देना ज़रूरी है। सवेरा होते ही पौधा सनलाइट में अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करता है, जिससे पत्तों से काफ़ी वाटर लॉस होता है। इसलिए शाम को लगाने से कुछ घंटों के लिए पौधों को रेस्ट मिलता है। रात में चूंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, पौधे लगाने के बाद उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा पानी हर पौधे में डालना है। आप गमले में भी बहुत ही आसानी से गोभी लगा सकते हैं। ये 6 इंच का गमला है, जिसमें मैं एक सैपलिंग लगा रही हूँ। पांच छह दिन आपको धूप के समय में ये पौधे थोड़ा मुरझाए हुए दिखेंगे, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक हफ्ते बाद आपके पौधे बिल्कुल फॉर्मली खड़े हो जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूले। चैनल के साथ बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।